Assalamu alaikum, dears. So I hope everyone will be fine and fit fat. So watch my lectures on my YouTube channel, Learners Club, by going through the link in the description. Hope you all like it. Support me if you are true learner and good listeners and readers, dear. So we have to support each others. So dears, आज का जो मेरा लेक्चर है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है. सो जिसके क्वेश्चन CSS और PMS में भी आते रहते हैं. एंड ये जो मेरा टॉपिक है पाकिस्तान्स अफेयर एंड इंडो पाक हिस्ट्री में से है. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लखनऊ पैक्ट. द लखनऊ पैक्ट, द लखनऊ पैक्ट यानी कि लखनऊ पैक्ट जो 1916 में हुआ, यानी कि दिसंबर 1916 में हुआ, और इसको मीसा के लखनऊ भी कहते हैं. इस मौहदे को, ये तो एक मौहदा था ना, इसको मीसा के लखनऊ भी कहते हैं. यानी कि ये लखनऊ में मुनक़द हुआ. लखनऊ एक सिटी का नाम था, वहीं पर ये मुनक़द हुआ. यानी दोनों जमायतों के इजलास में इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थी उसके दरमियान पहुंचकर एक मौहदा था. दोनों जमायतों में, ये जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी, ये जो दोनों जमायतें थी ना, इसमें जो मजहबी अकलियतियों की जो नुमाइंदगी थी ना, उसकी इजाज़त देने पर इत्तफाक किया दोनों ने. यानी जो मजहब अकलियतियों की नुमाइंदगी थी उस वक़्त, उन दोनों पर इजाज़त दी गई, इत्तफाक किया गया. यानी दोनों इस चीज़ पर राज़ी हो गए. तो जो सूबाई असम्बली थी ना, वो मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने कांग्रेस, यानी कि जो सूबाई प्रिवेंशल असम्बली थी उसमें मुस्लिम लीग के जो लीडर्स थे उन्होंने कांग्रेस की जो तहरीक थी, मूवमेंट थी हिंदुस्तानी खुद मुख्तियारी का मुतालबा शामिल होने के लिए राय कायम की या इख्तियार कायम किया कि वो खुद मुख्तियारी का मुतालबा शामिल होने के लिए उन्होंने इत्तफाक कायम किया. सो उलमाए भारती जो सियासत में जो थे, यानी कि सियासत में जो एक कॉन्सेशनल प्रैक्टिस या प्रैक्टिस की एक मिसाल के तौर पर जैसे हम समझ रहे हैं, या है प्रैक्टिस के तौर पर जो इंडियन पॉलिटिक्स है जिसमें महाजीन है, हम कहते हैं हु लेड द कांग्रेस, जो कि कांग्रेस की रहनुमाई करती थी. यानी कि किसी भी डीलिंग की वजह से, वेल जब कोई भी फार्मिंग डीलिंग होती थी ना, उसकी वजह से या सौदा बनाते वक़्त ये कौन थी, ये उसकी लीडिंग करने वाली करता था. सो फिर आते हैं एंड ए के फजल हक, यानी हु वाज पार्ट ऑफ वाट कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग इन 1916. यानी कि फजल हक जो था ना, वो कौन था जो हिस्सा था दोनों का, कांग्रेस का भी और मुस्लिम लीग का भी उस वक़्त, यानी कि ये दोनों पार्टीज़ का हिस्सा था. सो महात्मा जो गांधी था उस वक़्त, वो क्या था, आल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस इवेंट, इस दी इवेंट पर वो पार्टिसिपेट हुआ. एंड हम कह सकते हैं कि जो सरोजनी नायडू कौन था, आपको लग रहा होगा कि ये किसी मेल का नाम है. सो दरअसल ये फीमेल का नाम है, सरोजनी नायडू. इसने मोहम्मद अली जना को एक टाइटल दिया था, या एक आप कह सकते हो कि इसने मोहम्मद अली जना, कायद अजम मोहम्मद अली जना को एक टाइटल दिया था या करार दिया था कि मोहम्मद अली जना एन एम्बेसडर ऑफ यूनिटी. यानी कि कायद अजम मोहम्मद अली जना जो था वो क्या करना चाहता था, दरअसल वो करना चाहता था कि जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग हैं वो इकट्ठा ही रहें तो अच्छा है ना, क्योंकि वो ब्रिटिश से अपने मुतालबात पूरे करवाएं. सो फिर इसी वजह से उसने, सरोजनी नायडू ने क्या कहा था कि एन एम्बेसडर ऑफ यूनिटी, यानी कि दोनों को एहतियात करने के लिए मोहम्मद अली जना को उसने ये लकब दिया था. सो और मोहम्मद अली जना है इसको दूसरे हिसाब से इसको कहा जाता है द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द लखनऊ पैक्ट,
इसका टाइटल आ सकता है किसी में भी। किसको कहते हैं द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द लखनऊ पैक्ट, तो ये भी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कहते हैं। सो अभी हम आते हैं इसके हल्के से बैकग्राउंड की तरफ। इसमें ऐसे है कि जो इसका पस मंज़र है, जो बरतानवी जो थे ना, वो इंडिया आवाम से बहुत ज़्यादा दबाव के तहत ऐलान किया। उसने जो इंडियन जो आवाम थी, जो हिंदुस्तान की जो पब्लिक्स थी, उसने ब्रिटिश पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया और एम्फिसाइज किया, और उसके तहत ऐलान किया था उसने, ब्रिटिश ने, कि जो भारत को सेटिस्फाइड करने के लिए, भारत को कन्वेंस करने के लिए वो कयादत करेंगे। ब्रिटिश क्या करेंगे, उनकी कयादत करेंगे, और तजावीज़ की, उनके जो मुतालबात हैं, उनके जो तजावीज़ हैं, उनके जो डिमांड्स हैं उनकी सीरीज़ पर गौर भी किया जाएगा। ये ब्रिटिश ने कहा था कि एग्जीक्यूटिव जो कौंसिल है ना, उसके जो अरकान में से कम जो निसफ है ना, यानी कि आधा है एग्जीक्यूटिव कौंसिल के जो मेंबर्स हैं उसमें से कम जो आधा है ना निसफ मुंतखब हुए, और कानून साज जो कानून बनाने वाली कौंसिलें थी एक होने जा रही हैं। यानी उन्होंने कहा कि जो कानून साज की कौंसिलें हैं वो एक होने जा रही हैं। सो मुंतखब अरकान की अक्सरियत की ज़रूरत है, ऊपर भी मुंतखब जो अरकान हैं यानी कि जो मेंबर्स हैं उनकी अक्सरियत की हमें ज़रूरत पड़ेगी। सो दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग उनकी हिमायत की, उनका साथ दिया, और दोनों का एहसास हुआ था कि मज़ीद, और दोनों को एहसास हुआ था उस वक़्त के मज़ीद मराद के लिए हासिल किया जा करने के लिए हैं। यानी उन्होंने उसकी हिमायत की। क्यों हिमायत की? क्योंकि उन्होंने कहा कि ब्रिटिश हो सकता है आगे भी बड़ी अचीवमेंट करें हमारे लिए। सो ज़्यादा से ज़्यादा तावन ज़रूरत किया गया था उस वक़्त। सो जो सबसे पहले जो मुस्लिम लीग और जो हम कह सकते हैं इंडियन जो कांग्रेस थी ना, यानी कि इंडिया यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम जो लीग थी, उनकी फ़र्स्ट टाइम जो मीटिंग एनुअल सीज़न के हिसाब से बम्बई में हुई थी, वो दिसंबर 1915 में हुई थी। यानी कि पहली दफ़ा ये हुई थी मीटिंग। इसमें भी बहुत से डिटेल्स हो गए, कंपोजिशंस ऑफ लेजिस्लेचर्स, ऐसे बहुत सी छोटी छोटी बातें हुई कि हमें क्या ब्रिटिश के सामने अपने मुतालबात रखने हैं ना। सो इसी वजह से तो आपको बैकग्राउंड भी मैंने इसका बता दिया। अभी हम चलते हैं कि जो जन्हा था उस वक़्त, वो जो जन्हा था ना, मोहम्मद अली जन्हा, उसने सबसे पहले इसका जन्हा का एक बहुत ही अहमियत वाला रोल है किसमें, कांग्रेस में और मुस्लिम लीग को टुगेदर करने में ना। यानी इसने कहा कि दोनों का जो आइडियाज़ हैं वो एक ही हैं, यानी कि मोहम्मद अली जन्हा हमेशा इम्पोर्टेंस रोल रखते हैं किसमें, हिस्ट्री लेवल पर भी, कि कांग्रेस और दोनों इकट्ठा हो जाएं दोनों के आइडियाज़। सो अभी हम देखते हैं कि कायद अजम मोहम्मद अली जन्हा ने इंडियन नेशनल कांग्रेस कब ज्वाइन की और क्यों ज्वाइन की ना। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, सबसे पहले इसने कायद अजम मोहम्मद अली जन्हा ने 1906 में किसको ज्वाइन किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। और ये क्वेश्चन एमसीक्यूज़ पर भी आ सकता है, एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है कि कायद अजम मोहम्मद अली जन्हा ने कांग्रेस कब ज्वाइन की, तो आप कह सकते हो 1906 में। और इसके रीजंस क्या थे, रीजंस यही थे कि पार्टीशंस ऑफ बंगाल जो 1905 में हुई थी, उसके बाद कायद अजम मोहम्मद अली जन्हा ने इसको ज्वाइन कर लिया। सो फिर हम आते हैं मुस्लिम लीग की तरफ। मुस्लिम लीग को कायद अजम मोहम्मद अली जन्हा ने कब ज्वाइन किया, तो मुस्लिम लीग, ये भी एमसीक्यूज़ में आता है, ये ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में आता है बनिस्बत कांग्रेस के ना। सो कायद अजम मोहम्मद अली जन्हा ने इसको ज्वाइन किया 1913 में, इसको ज्वाइन किया यानी 1913 को, सॉरी ज्वाइन किया इसको। इसके रीजंस क्या थे, इसके रीज़न सबसे ये थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट था 1909 यानी मंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स जो थी, उसकी वजह से भी जो इंडियन एनवायसरे था और एग्जीक्यूटिव जो कौंसिल थी इसकी वजह से भी, और अनुअलमेंट ऑफ बंगाल जो थी बंगाल की वजह से भी, यानी उसकी वजह से अनुअलमेंट जो हुई थी आई थिंक 1915 में हुई थी। सो फिर वर्ल्ड वार यानी वन ब्रिटिश वर फाइटेड अगेंस्ट ओस्मान एम्पायर,
यानी ब्रिटिश जब लड़े थे उस्मान एम्पायर्स के, तो इसी वजह से भी वर्ल्ड वार वन की वजह से भी इसने इसको ज्वाइन किया। सो आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा, मैंने ये समझा दिया एज अ मैप के लिए हिसाब से। सो अभी हम आते हैं कंडीशंस ऑफ द पैक्ट, मोहदे मिसा, जो मोहदा मिसा के लखनऊ था ना, उसके हालात। इस वक्त जो मोहदा लखनऊ यानी 196 के जो हालात थे वो नीचे मंदरजा ज़ेल हैं। सबसे पहले आता है अप्रूवल ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रेट। इसमें ऐसे है कि कांग्रेस ने अलीहदा इलेक्ट्रेट्स को कबूल कर लिया, मींस के तौर पर अलीहदा जो जुदागाना हम कह सकते हैं या अलीहदा कौम को आखिरकार कबूल कर लिया, यानी कि ये भी एक बड़ी फतह थी मुस्लिम्स की ना, या उन्होंने कबूल कर लिया कि कांग्रेस विल एक्सपेक्ट द सेपरेट इलेक्ट्रेट्स, वो अलग वोट कर सकते हैं यानी मुसलमान से या ब्रिटिश। सो सेकंड है 1/3 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशंस। इसमें ऐसे है कि अगर कहीं पर यानी 1/3 में ऐसे होता है कि जो मुस्लिम मेंबरों की तादाद को तीसरे एक की जाएगी यानी तीसरे तहाई में हो जाएंगी। कैसे? अगर 3 कौंसल्स के मेंबर्स बन रहे हैं उसमें एक तो मुसलमान का ज़रूर होगा। इसी तरीके से फिर आता है नॉमिनेशंस ऑफ मेंबर्स। इसमें क्या होता है कि जो मेंबरों की नामजदगी है कौंसलों में 1/5 के अराकीन को नामजद किया जाएगा, उस वक़्त जो 1 यानी 5 में से 1 के अराकीन को नामजद किया जाएगा और कौंसल के अराकीन उनको मुंतखब किया जाएगा। लेकिन मुंतखब और नामजद जो अराकीन है उनकी तनासब में से मुस्लिम प्रेजिडेंस के 1.4 को नहीं किया जाएगा, सॉरी, हाँ 1.5 बिल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द कौंसल, यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स होगा उस वक़्त अगर 1.5 से नॉमिनेशन भी समझा दी। फिर आता है प्रीपोरेशंस प्रोपोर्शंस ऑफ मुस्लिम प्रेजेंटेशंस इन द प्रीवेंस। इसमें क्या होता है कि जो तनासब के हिसाब से जो मुस्लिम में अक्सरियत सूबों में जो बंगाल और पंजाब जो उस वक़्त थे ना, बंगाल और पंजाब को दरअसल उस वक़्त क्या किया गया था कि अंडर रिप्रेजेंटेशन किया गया था, हालांकि इस सूबे में अक्सरियत मुसलमानों की ज़्यादा थी, इसको क्या किया गया था, अंडर रिप्रेजेंटेशन किया गया था, लेकिन यूपी को ज़्यादा दिया गया था, रिप्रेजेंटेशन किया गया था ना, तो मुसलमान मंदू की तादाद थी, तो मुंबई मदारस और यूपी मुस्लिम अकलियत जो इलाके थे बंगाल में 14% थे और पंजाब में 15% तक कम कर दी गई, यानी कि उनको अंडर रिप्रेजेंटेशन की गई, लेकिन 13% और दीगर सूबों में यानी कि यूपी आप कह सकते हैं उनकी आबादी के तनासब से ज़्यादा इजाफा किया गया उनमें ना, यानी कि यूपी में 15% किया गया इजाफा। तो फिर आता है एग्रीमेंट ऑन यनोमियस ला, यानी कि मुतफिका जो कानून से मुतलिक जो मुआहदे थे उस वक़्त न, जो आइन साजी है वो ये गौर किया जाएगा, आइन साजी में ये गौर किया जाएगा जो मुंतखब किया जो अराकीन है किसी भी कौमू के फोर्थ की तरफ से रद्द किया जाएगा, फोर्थ की तरफ से यानी 3.4 की तरफ से वो हमेशा से रद्द किया जाएगा, जिसके लिए कोई भी तजावीज़ या कोई भी मुतालबात नहीं होंगे। तो आपको कंडीशंस ऑफ द पैक्ट समझ आ गए होंगे। सो आगे भी हैं कंडीशंस फॉर अप्रूवल ऑफ डिमांड फॉर द गवर्नमेंट्स, यानी आप ऐसे कह सकते हो कि जो हुकूमत की जानिब से यानी कि वो तो पीपल्स थे, वो मुसलमान थे, यानी कि वो तो उनके मुतालबात थे, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो मुतालबात की मंजूरी के लिए दिए गए थे ना, उस वक़्त सबसे पहले आप कह सकते हो कि जो बरतानवी हुकूमत है की जानिब से दर्ज झेल मुतालबात की मंजूरी के लिए फैसला किया गया उस वक़्त, या ऐसे कह सकते हो इंक्रीज इन एटोनॉमी ऑफ प्रिवेंस। इसमें ऐसे है कि एक सूबे की जो खुद मुख्तियारी है उसमें इजाफा। दरअसल जो ये जो लखनऊ पैक्ट था ना, इसमें डिमांड यही था कि इंडियन एटोनॉमी में इंक्रीज किया जाए, यानी कि इसका मुतालबा यही था लखनऊ पैक्ट में कि इंडियन एटोनॉमी इंक्रीज़ की जाए या इजाफा किया जाए उसमें। यहाँ लिखा हुआ है इंक्रीज़ इन द एटोनॉमी ऑफ प्रिवेंस,
यानी कि एक सूबे की खुद मुख्तियारी में इजाफा, सूबे मुनासिब दाखिली खुद मुख्तियार दी जानी चाहिए, यानी कि सूबे को खुद मुख्तियारी दी जाइए, सूबा यानी कि खुद उसके हाथ में हर पावर होना चाहिए कि उसके सूबे में, यानी कि सूबे में क्या हो रहा है वो सूबा ही उसको हैंडल कर सकता है, न कि मरकज़ी गवर्नमेंट, न ये भी अथॉरिटी सूबे को ही दी जाए। तो इसी तरह से जो सूबों से कम होना चाहिए, यानी कि तौर पर सॉरी सूबाई कौंसलों के तक, यानी कि उस वक़्त जो सूबाई कौंसलें थी ना उनको ताकतें दी जाएँ, उनकी ताकतों में इनक्रीज़ किया जाए, उनकी ताकतों में इजाफा किया जाना चाहिए। इसके अलावा मरकज़ का जो कंट्रोल है, उस वक्त सेंट्रल का जो कंट्रोल है, सूबों से कम होना चाहिए ना, सूबों से कम होना चाहिए। और वो बजट पर यानी सेंट्रल सूबों पर तो कम, यानी सूबों पर कम कंट्रोल चलाए, लेकिन के बजट पर मुकम्मल अख्तियार होना ज़रूरी है सेंट्रल गवर्नमेंट का। सो इसी तरह से अभी हम आते हैं दूसरा, फ्रीडम ऑफ डिटरमिनेशन। फ्रीडम ऑफ डिटरमिनेशन में ऐसे है कि जो तायुन की आज़ादी है, अराकीन के जो सवालात होते हैं और ज़ेली का पूछना हक होना चाहिए, जो अराकीन्स हैं, जो मेंबर्स हैं प्रीवेंस लेवल पर या किसी भी, यानी कि एज ए सेंट्रल लेवल पर, वो क्वेश्चंस कोई भी हो वो पूछ सकते हैं, उनके जो सवाल आते हैं अकॉर्डिंग टू देयर राइट्स, उनके राइट्स के हिसाब से वो पूछ सकते हैं। सवालात और अल्तवा एक तहरीक पेश करने के लिए वो सवाल भी पूछ सकते हैं, और सवालात और अल्तवा की एक तहरीक भी पेश करने के लिए वो कर सकते हैं। सो थ्री में आता है कि सेपरेशंस ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशंस, यानी कि इंतज़ामिया से अदलिया की जो अलहदगी थी, अदलिया कौन, जो इंसाफ प्रोवाइड करे, जो इंसाफ, जहां इंसाफ मिले, और इंतज़ामिया जो हुकुम चला रही थी उस वक़्त, जो इंतज़ाम चला रही थी मुल्क का न, तो इसी वजह से अदलिया और इंतज़ामिया के मुल्क में अलग किया जाना चाहिए, मुल्क में अलग किया जाना चाहिए, यानी दोनों सेपरेट होना चाहिए, और हर सूबे की अदलिया के सूबे से की हाई कोर्ट के तहत होना चाहिए। यानी कि हर, अगर कोई भी सूबा है ना, उसमें हाई कोर्ट ही के तहत उसके फैसले वगैरह उसकी सारी कुछ वहीं पर हो, यानी कि हर सूबे की जो अदलिया है ना उस वक़्त, उसको सूबे के हाई कोर्ट के तहत होना चाहिए। ये भी उसमें एक कंडीशन, यानी कि गवर्नमेंट के मुतालबात किए थे उन्होंने। अभी लास्ट आता है रिज़ल्ट ऑफ लखनऊ पैक्ट। उस वक़्त द रिज़ल्ट ऑफ द लखनऊ पैक्ट में क्या था, सबसे पहले अप्रूवल ऑफ द सेपरेट इलेक्ट्रेट्स, यानी कि मिसा के लखनऊ का जो उस वक़्त नतीजा क्या निकला, नतीजा है जो मंजूरी अलहदा वोटर के लिए दी गई थी, अप्रूवल फॉर सेपरेट इलेक्ट्रेट्स। बरतानवी जो ब्रिटिश थे उसने हिंदुओं, यानी ब्रिटिश से फिर भी हमेशा, जैसे कि मुसलमानों से हिंदू हमेशा अगेंस्ट रहते हैं, इसी तरह बरतानवी से भी फिर भी हिंदू हमेशा उसके ख़िलाफ़ थे। भारत 1909 के एक्ट में एक कानूनी हैसियत देकर भारत के, यानी के ब्रिटिश जो है उसने, यानी भारत ने क्या किया कि 1909 के एक्ट में एक कानूनी हैसियत से, एक लॉ स्टेटस के हिसाब से देकर भारत के जो उस वक़्त मुसलमान जो भारत में रहते थे उसकी अलहदा वोटर की तवील इंतज़ार मांग कबूल की थी, यानी कि भारत वाले यानी हिंदुओं ने कबूल किया कि मुसलमान अलग वोट कर सकते हैं, एक तवील इंतज़ार मांग कबूल कर ली जिसकी मुसलमान कोशिशें करते रहे थे। सेकंड में आता है कबूल किए, जिसमें मुसलमानों की तारीख यानी हिस्टोरिकल और सियासी कामयाबी के नतीजे में हैं। सिक्योरिटी ऑफ मुस्लिम राइट्स एंड इंटरेस्ट, उस वक़्त जो मुस्लिम के हकूक़ थे, मुसलमानों के जो उस वक़्त जो हकूक़ थे, उनके जो राइट्स थे और उनके एडवांटेज थी, उसकी जो हिफाजत थी, उसके हिसाब से जो मीसा के लखनऊ के जो मुताबिक उनकी जो पापुलेशन थी मुकाबले में मुस्लिम अकलियत सूबों और जो मरकज़ था सेंट्रल लेवल पर था उसमें ज़्यादा नुमाइंदगी देने के लिए कांग्रेस की मंजूरी थी। मुसलमानों के जो हकूक़ थे उस वक़्त, जो राइट्स थे,
और एडवांटेज थी उसकी हिफाजत की। यह भारत के मुसलमानों से खौफ की एक बहुत लहर हट गई थी। सो थर्ड में आता है कि मुस्लिम्स लीग सेपरेट स्टेट्स। सो मुस्लिम लीग की अलग अलग दर्जे क्या थे? सो लखनऊ माहदे में भारतीय मुसलमानों की नुमाइंदा जमायत मुस्लिम लीग को कबूल करके, यानी कि कांग्रेस ने आखिरकार क्या कर लिया भारतीय मुसलमानों की, यानी कि उसने मुस्लिम लीग को कबूल ही कर लिया। बराए आज़म कांग्रेस अमली तौर पर, प्रैक्टिकली तौर पर मुस्लिम लीग की इम्पोर्टेंस साबित हुई उस वक़्त, और ये क्लियर मुस्लिम लीग मुसलमानों के एडवांटेज के लिए हमेशा से स्ट्रगल जमायत रही है और स्ट्रगल करती रहेगी भी, उन्होंने कहा था। सो फोर्थ में आता है कि इंक्रीज़ इन द फेम ऑफ कायद अजम मोहम्मद अली, कायद अजम मोहम्मद अली जना की फेम में इंक्रीज़ होना, इजाफा सलाहियत में, यानी कि मुस्लिम इत्तेहाद की वजह से कायद अजम का फैलाव और कायद अजम की जो फेम में इजाफा था, उसकी शोहरत, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी उसमें जो एबिलिटी थी, उसकी सलाहियत थी, वो मुस्लिम इत्तेहाद की वजह से कायद अजम ने जो फैलाव किया था कि यानी ये टूगेदर हो जाएँ दोनों। सरजनी नोडो जो थी मिस्टर थी, यानी कि ये एक फीमेल थी, उसने कायद अजम की ये खराजत को देखकर खराज तहसीन, खराज अकीदत पेश करते हुए उसे क्या कहा, उसे टाइटल किस नाम का दिया कायद अजम मोहम्मद अली जना को, क्योंकि वो कोशिश कर रहा था कि मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस हमेशा से इकट्ठा रहें, यानी टुगेदर रहने की वो कोशिश कर रहा था। तो उसमें क्या हुआ कि मुस्लिम यानी कि क्यों उसने कांग्रेस को छोड़ा जब वो मनसूख हो गई ना पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसी की वजह से। तो कायद अजम की इस काम की वजह से उसने खराज अकीदत पेश करते हुए उसे हिंदू और मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर करार दिया उस वक़्त। सुफाई में आता है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम, यानी पहली और आखिरी टाइम हिंदू और मुसलमानों में जो इत्तेहाद था की वजह से, यानी ऐसे कह सकते हो मुस्लिम हिंदू और मुस्लिम यूनिटी की पहली और आखिरी बार जो था। सो हिंदू आम तौर पर मूवमेंट यानी कि तहरीक खिलाफत में मुसलमानों से, यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि जो हिंदू है ना, वो आम तौर पर तहरीक खिलाफत जो थी, मूवमेंट थी, उसके अगेंस्ट मुसलमानों से हमेशा से इंतकाम लेने या इंतकाम लेने की कोशिश की हिंदुओं ने। सो और 1916 में मीसा के लखनऊ के जो तहरीरी माहदे, जो रिटन फॉर्म में जो तहरीरी माहदे किए गए, उसको नज़रअंदाज कर उसको ऐसे नज़रअंदाज किया कि जैसे ये कोई माहदा ही नहीं हुआ था इन दोनों के दरमियान। उस माहदे को, यानी कि ये ब्रिटिश के दरमियान या इनके दरमियान कोई माहदा ही नहीं हुआ था, इसको नज़रअंदाज करके नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आई थिंक्स हुई थी, ख़ास तौर पर एक सोची समझी साजिश के मुताबिक ये हुई। फिर इसके बरक्स तो कायद अजम मोहम्मद अली जना ने भी तो 14 पॉइंट्स दिए थे ना, तो ये एक साजिश सोची समझी, उनकी नेहरू रिपोर्ट एक साजिश थी। सुमीसा के लखनऊ भेजा फजले के कागज़ टोकरी, यानी ऐसे जैसे उसकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं थी। फिर इसी तरह का पहला और आखिरी हिंदू मुस्लिम एहतियात एक तारीखी कामयाबी के बग़ैर ख़त्म हुआ, यानी कि वो एहतियात कभी नहीं कर सके। सो आई थिंक आपको मैंने जो बताए हैं इसमें वो आप लोगों को समझ आ गए होंगे। मैंने इन डिटेल्स में आप लोगों को समझा दिया है कि लखनऊ पैक्ट के बारे में। सो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो आज का मैं लेक्चर इसी पर एंड करता हूँ। सो इंशाल्लाह आगे वाला लेक्चर्स में जब लाऊंगा वो भी इसके साथ लिंक ही होगा, क्योंकि मैंने शुरू से जब भी लेक्चर्स कोई भी यानी किसी को भी इन डिटेल्स में बयान किया है तो वो एक दूसरे से लिंक हैं। सो थैंक्स आप लोगों का, थैंक्स देखने के लिए, एंड प्लीज़ आप लोगों से इल्तजा की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, शेयर करें। सो आज मैं इसी लेक्चर के साथ इख्तिताम करता हूँ। सो अल्लाह हाफिज़।